How to fix Samsung A10 screen flickering problem. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, अगर आपकी डिवाइस जो है फ्लिकर कर रहा है, ठीक है, आपके डिवाइस के जो स्क्रीन है फ्लिकरिंग का इशू यहाँ पे फेस कर रहा है, तो कैसे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, आज के इस वीडियो पर मैं आपको इसी के रिगार्डिंग पर सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। कई लोग दोस्तों इस तरीके का जो प्रॉब्लम है यहाँ पे फेस कर रहे हैं, ठीक है, उनका स्क्रीन जो है वो फ्लिकर करते रहते हैं बार बार। तो अगर दोस्तों आपको भी ऐसा ही प्रॉब्लम हो रहा है तो कैसे आपको फिक्स करना है, क्या सॉल्यूशन करना है, सब कुछ आपको इसी वीडियो पे जानने को मिल जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करें, और अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा। किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो स्क्रीन फ्लिकरिंग का इशू है, आप इसको जो है सबसे पहले रिबूट करके ट्राई कीजिए, ठीक है, या फिर आप अपने फ़ोन को बूट कर सकते हैं सेफ मोड पे, ठीक है, सेफ मोड पे बूट कर सकते हैं, या फिर आप स्क्रीन को अपने मोबाइल को रिस्टार्ट करके देख सकते हैं। रिस्टार्ट से अगर काम बन जाता है ठीक है, अगर उसके बाद भी प्रॉब्लम आ रहा है तो दोस्तों चार्जर या फिर हेडफोन प्लग किया हुआ है तो उनको रिमूव कर दीजिए अपने मोबाइल से, ठीक है। उसके बाद आपको ये चेक करना है आपके मोबाइल पे स्टोरेज कितना है, कितना खाली करना होगा। करीब 40% आपको स्पेस क्लीन करना है। अनवांटेड एप्लीकेशन को डिलीट करें, कोई भी बैड एप्लीकेशन है स्पेशली उनको आप पहले डिलीट करें। बैड एप्लीकेशन दोस्तों वो एप्लीकेशन है जो आप अननोन वेबसाइट से इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, तो उस तरीके का जो ऐप है उसको डिलीट करें। डिलीट करने के बाद दोस्तों आप ये चेक कीजिए, अगर आपके कोई अगर आपके मोबाइल पे, ठीक है, आपके फाइल मैनेजर पे अगर कोई कॉरप्टेड फाइल्स पड़ा हुआ है तो उनको आप मेक श्योर रिमूव करें, ठीक है। और फाइल मैनेजर पे भी दोस्तों बहुत सारे कैश डेटास होते हैं, उनको आप थोड़ा सा जाके चेक कर करके डिलीट करें, तो वो सब आप यहाँ पर कर सकते हैं। सारे साथ दोस्तों आपका जो ऑटो ब्राइटनेस है उसको आप बंद कर दीजिए, ठीक है, एडेप्टिव ब्राइटनेस उसको बंद कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों सारे सॉल्यूशन करने के बाद मोबाइल को रिस्टार्ट करते हुए चेक करके देखें, आपका प्रॉब्लम लगभग सॉल्व हो जाएगा। अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है ठीक है, अगर अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो जाइए दोस्तों अपने मोबाइल के सेटिंग पर, स्क्रॉल डाउन करते हुए सॉफ्टवेयर अपडेट में जाए, सॉफ्टवेयर को अपडेट करके देखिए। सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर अगर सॉफ्टवेयर के रिलेटेड कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है तो कॉन्फर्म फिक्स्ड हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद भी नहीं हो रहा है तो जनरल मैनेजमेंट पे जाए और रिसेट में क्लिक करके फैक्ट्री डेटा रिसेट जरूर कर दीजिएगा। फैक्ट्री डेटा रिसेट करने के बाद दोस्तों 100% आपका प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। लेकिन दोस्तों मान लीजिए फैक्ट्री डेटा रिसेट करने के बाद भी नहीं हो रहा है तो हार्डवेयर फेलियर यहाँ पर हो चुका है, मदरबोर्ड इशू हो सकते हैं, या फिर हार्डवेयर के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, या फिर कोई शॉर्ट सर्किट हुआ होगा आपके डिवाइस में जिसके वजह से आपके डिस्प्ले में प्रॉब्लम हुआ है और आपका स्क्रीन फ्लिकर कर रहा है, ठीक है। तो आपको सिंपली टेक्नीशियन या फिर किसी भी सर्विस सेंटर पे जाके वो प्रॉब्लम सॉल्व करवाना है। तो इस तरीके से दोस्तों आपका जो स्क्रीन फ्लिकरिंग प्रॉब्लम है आप इसको फिक्स कर सकते हैं। जितना भी पॉसिबल सॉल्यूशन था मैंने आपको इस वीडियो पे देने की कोशिश की है, आप फॉलो अप कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।